नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो का सिक्स पैक वर्कआउट में, जैसे आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया कि आज मैं सिक्स पैक के वर्कआउट आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं अपने लिए सिक्स पैक के लिए कौन कौन से एक्सरसाइज करता हूँ। पर उससे पहले आपके बहुत सारे कॉमेंट आते रहते हैं कि भाई अपनी बॉडी किस तरह से आप क्लीन रखते हो, तो उसी के बारे में मैं आपके लिए लाया हूँ अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे, जो इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करूंगा। तो पहले इसके बारे में मैं बता देता हूँ और उसके बाद में एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। आप बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि भाई आपकी बॉडी कितनी क्लीन रहती है, तो आप क्या यूज करते हो अपने बॉडी को हेयर रिमूवल के लिए। तो मैं हेयर रिमूवल के लिए यूज करता हूँ अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल क्रीम स्प्रे, जो ये क्रीम फॉर्म में आता है, जो सिंपल आपको इसको स्प्रे करना रहता है। तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि किस तरह से आप स्प्रे कर सकते हो और किस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। और ये 200 ml का आता है, जो इसको आप काफी बार इसको यूज कर सकते हो। और मैं बाकी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आप किस तरह से अपने रियल हेयर रिमूवल करोगे। इससे सबसे पहले सूखा शरीर होना बहुत जरूरी है, और उसके बाद में आपको स्प्रे को शेक करना है और 90 डिग्री इसको रखना है, ना कि 360 डिग्री में रखना है इसको, क्योंकि ये गलत पोजीशन है। और उसके बाद तो आपको 10 से 15 सेंटीमीटर स्प्रे को दूर रख के फिर इस पर शरीर पर इस्तेमाल करना है, और फिर आपको 10 से 15 मिनट रखना है अगर आपके मोटे बाल हैं तो। बाकी आपके पतले बाल हैं जैसे मेरे हैं, तो आपको 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर ही हो जाएंगे, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह आपको इस्तेमाल करना है, जैसे 8 से 10 मिनट होने में टाइम लगेगा, तो आप कुछ भी काम कर सकते हो। जैसे मैं डंबल वगैरह लगा लिए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, क्योंकि मैं अपने जिम में ही हूँ, तो मैं कुछ ये काम करने के बाद जैसे 8-10 मिनट कंप्लीट हो गए, तो ये स्प्रे के साथ आया है स्प्रे टूला, इससे मैं हटाने की कोशिश करूंगा कि ये किस तरीके से बाल को हटाने में मदद करेगा। तो मैं जैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इससे मुझे काफ़ी कम बाल हट रहे हैं। इससे मैं कपड़े सूखे कपड़े से हटा रहा हूँ बाल, तो जैसे आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे कपड़े से बाल हट रहे हैं। और आप ये कपड़े की मदद से, सूखे कपड़े की मदद से हटा सकते हो, क्योंकि इसके साथ ये आता है स्पिटुला, इससे कम हटेंगे। तो आप मेरे हिसाब से, मैं रिकमेंड करूंगा आप कपड़े से हटाएं, तो इससे काफी अच्छे से बाल हट जाएंगे। अर्बन गबरू, और ये अर्बन गबरू डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो ये 100% आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इसके साइड इफेक्ट आपको शरीर पर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे पतले बाल थे, तो मेरे जल्दी 8 से 10 मिनट में रिमूव हो गए थे। अगर आपके मोटे बाल हो, थिंक बाल हो, तो आपको इसको 10 से 15 मिनट भी रख सकते हो, और वापस 10-15 मिनट रखने के बाद भी अगर आपको थोड़ा सा हटा के, कम एरिया में हटा के देखना है कि आपके बाल निकल रहे कि नहीं निकल रहे, अगर नहीं निकल रहे तो आपको 3 से 4 मिनट और वेट करो, और उसके बाद आप सूखे कपड़े की मदद से इसको हटा लो, और बिल्कुल आपका कुछ इस तरह क्लीन हो जाएगा। और अर्बन गबरू हेयर रिमूवल स्प्रे को आप अंतर्गत, मतलब प्राइवेट पार्ट्स में भी आप इसको यूज कर सकते हो। वहां पे लगाने से आपको सिंपल जिसे लगा सकते हो आप, पर थोड़ा सा गर्म महसूस हो सकता है, तो आप निश्चिंत रहें, आपको कुछ सेकंड में वापस भी ठंडा भी हो जाएगा, और बड़ी आसानी से आप वहां के भी बाल रिमूव कर सकोगे। वहां पे आप ट्रिमर रेजर वगैरह यूज नहीं कर सकते हो इजिली, क्योंकि वहां पे कट लग सकता है और सेफ भी नहीं वैसे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे उस जगह खासतौर पर यूज करें, और बाकी चेस्ट वगैरह आप जैसे देख सकते हो मेरा क्लीन है। तो ये है अर्बन गबरू का हेयर रिमूवल स्प्रे, तो जाओ डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक मिल जाएगा, तो जाके जरूर यूज करना। और इसकी एमआरपी की मैं बात बताऊं आपको, तो 499 इसकी एमआरपी है, मगर आपको और भी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाके जरूर बाय करना और अच्छा डिस्काउंट पाना आप। ज्वाला जगा अंदर, किस बात से है तंग, दुनिया से नहीं खुद से है तेरी जंग। बीमार हो गया था, लगा मौत थी करीब, वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब, जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब, तब मिला YouTube और खुद में बिलीव। मिडिल क्लास फैमिली पर सोच रखी हाई, आज भी है याद चाचा की सुताई, पिताजी का गुस्सा उसके पीछे की दुआएं, आज भी हो तकलीफ तो माँ ही याद आए। हम उससे पूछो किसे कहते हैं रोना, हम उससे पूछो क्या होता है खोना, 99 में खो दिया पिताजी को मैंने, मुझसे पूछो होता क्या है पिताजी का होना। मेरे चाचा जी और दादी भगवान के तो रूप, छाँव में रखा न लगने दी है धूप, पाल के बड़ा किया पढ़ा दिया, नसीब है नसीब वाले होते जो अपनों के करीब हैं। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, YouTube के थ्रू नया परिवार है बना लिया। छोटी सी
सी उम्र में एक छोटू मेरा यार था, बैट बॉल खेलते वही मेरा प्यार था। घर की गरीबी की वजह से सब छोड़ा, आज भी है याद चाचा ने चप्पला मेरा तोड़ा। खेल कूद छोड़ जिम्मेदारियां उठाई, सपनों को छोड़ करने लगा मैं पढ़ाई। था ता तरस देख माँ की तन्हाई, बहन बैठी घर पे जिसकी सुननी थी शहनाई। स्कूल में था मस्करा, सबको था हंसाता, बंद कमरे में रोया न किसी को जताता। अध्यापक थे बोलते कि इसको ना पढ़ाना, पंकज कौशल बोले नाम है हाँ अमित बढ़ाना। 18 का लड़का कॉलेज में जाके भटका, चका चौंध में तक हो गया, जो ना था मैं वो हो गया। थे जिनके दिल तोड़े उनसे माफी हाथ जोड़ के, जिन्होंने दिए धोखे उन्हें राम राम बोल के। जो थी पहले नफरतें, जो थी पहले गालियां, आज वो है तारीफें, आज वही तालियां। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया, यूट्यूब के थ्रू नया परिवार है बना लिया। पढ़ाई में न मन कुछ बड़ा था करना, जेब खाली रोती आंखें और अकेला कमरा, आंखों में ले आंसू। हंसना मैंने सीखा, हंसने ने सिखाया मुझे जीने का तरीका। अंग्रेजी गानों के किए देसी गाने मिक्स, डबिंग सुन लोगों का प्यार हुआ। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इस एक्सरसाइज को आप देख में सारे साथ जो फॉलो करें। आपको वन वीक में इसका लिखने का तो इस एक्सरसाइज के थ्रू फॉलो करें। आप जुड़ा देसी लेख देसी सब जाके भाई बनने लगा, पार्टी में मिले कुछ बड़े यूट्यूब।